आज का जो वीडियो है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो आज आपके साथ कर रही हूँ काफी सारे ऑर्गेनाइजर्स ऐसे शेयर जो खुद से बना सकते हैं एकदम जीरो कॉस्ट में, घर पर पड़े सामान से, बच्चे कुछ सामानों से, और वो आपको आपके घर को थोड़ा सा डेकोरेट करने में काफी हेल्प करेगा। यहाँ वहां सा काफी सारी चीजें पड़ी रहती हैं जो समझ ही नहीं आता है कि कहाँ रखी जाए, तो इन सब चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं छोटे छोटे से आपके साथ ऑर्गेनाइजर शेयर कर रही हूँ। एंड आई होप कि आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रहेंगे एंड आपको पसंद भी आएंगे। हाय गाइस, माय सेल्फ वर्षा एंड मैं यहाँ शेयर करती हूँ काफी सारे आइडियाज, ऑर्गेनाइजेशन वीडियो शेयर एंड DIY वीडियो शेयर। तो अगर इस तरह के वीडियोस में आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली आप इस चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब रेड बटन को दबाकर, एंड घंटी का बगल वाला बटन बिल्कुल भी दबाना मत भूलिएगा क्योंकि उससे आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहेंगे। एंड इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी मैं काफ़ी सारी पोस्ट डालती हूँ वीडियोस और डेली लाइफ रिलेटेड, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए तो आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को करते हैं शुरू बिना किसी देरी के। फर्स्ट ऑर्गेनाइजर में मैंने इस तरह का एक कार्डबोर्ड लिया है एंड उसके साइज के मैंने क्लॉथ्स काट के रख लिए। मैं हमेशा ही कहती हूँ मैं अपने कपड़ों को कभी भी फेंकती नहीं हूँ, जो भी कुर्तियाँ बच जाएँ या कुर्तियाँ या शूट सिलवाए उसके एक्स्ट्रा कपड़े बच जाएँ तो मैं मांग लेती हूँ उन लोगों से, और अगर छोटे छोटे टुकड़े भी होते ना वो भी मैं ले ही लेती हूँ कि नहीं मुझे दे दो, क्योंकि मुझे पता है मैं कहीं ना कहीं उसको यूज़ ले कर लूँगी, और अलग से फैब्रिक खरीद के लाओ ये वो तो ज़्यादा ही पैसा खर्च होगा। तो मैं ट्राई करती हूँ कि जब भी सूट सिलवाऊँ या कुर्तियाँ ख़राब हो जाएँ उनके एक्स्ट्रा जो कपड़े होते हैं हमेशा ही रखे रहती हूँ। तो बस उसके साइज़ का क्लॉथ काट के और इस तरह से मैंने उसको स्टिक कर दिया है, चिपका दिया है फेविकॉल की हेल्प से, एंड जो मुझे अंदर लगाना है उसको पहले से मैं इस तरह का कर लेती हूँ, एक ग्लूगन की हेल्प से इसको चिपका लिया है, और अब ये पूरा नहीं चिपकाना पड़ेगा और आसानी होगी उसको अच्छे से कवर करने में। तो इस तरह से राउंड शेप कर लें एंड उसको एक साइड से टर्न कर लें, बस सिंपल है, इसको पहना दें। अब इसको चिपकाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि अंदर से पूरा ही फेविकॉल बर्बाद करो और चिपकाना पड़े, तो इतना ही सिर्फ करना है, चिपकाया मैंने बिल्कुल नहीं है, और उसको एक सा कर लें, मतलब बाहर से ना दिखे कि अलग अलग टाइप का दिख रहा है। और जो अब मुझे करना है अंदर जो इसके बेस में है, एक उस बेस के अकॉर्डिंग मैंने कट कर लिया है एक कार्डबोर्ड, और अब उसको भी एक क्लॉथ से चिपका दिया है। अब इसको बस सिंपल इसके अंदर रख देना है और जो आसपास के एरिया है पूरा ही ऐसे लगेगा कि अच्छे से स्टिक है। अब जब भी गंदा हो जाता है इजी होता है धुलना, आराम से धुल सकते हैं कपड़े को निकाल के और उसको वापस से ऐसे ही लगा सकते हैं अंदर जब भी गंदा हो जाए। तो इसको ऑर्गेनाइज़र आप कपड़े भी रख सकते हैं अपने छोटे मोटे, अपने बच्चे के कपड़े या अपने ही खुद छोटे मोटे जो कपड़े होते हैं वो रख सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने बनाया है ये स्पेशली मैंने बनाया है जो मेरे कटे हुए कपड़े बच जाते हैं जिसको मैं इन सब में यूज़ करती हूँ, उसके लिए मेरे पास कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं था तो उसके लिए ही मुझे बनाना था। मैंने इसमें सारे कपड़े रख दिए कि जब भी चाहिए हो मुझे बस फाइल सेव में रखे हैं कि मुझे वो इजी हो जाए निकालना और पता लगता रहे कि हाँ हाँ अभी इस कपड़े के टुकड़े बचे हैं और मुझे यूज़ करना है। तो मेरा फर्स्ट ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी है, कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा ज़रूर। अब एंड सेकेंड ऑर्गेनाइज़र में भी मैंने बड़ा सा कार्डबोर्ड लिया है और इसमें अपनी पुरानी टी शर्ट्स है ना जो, उसको एक साइड से गला काट लिया है एक टी शर्ट का और उसको पहना देंगे इसी तरीके से। तो इसको भी स्टिक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि फेविकॉल लगा लगा के स्टिक किया और बहुत टाइम लगा, सिर्फ 5 मिनट ही लगते हैं। और जो दूसरी टी शर्ट है उसको भी मैंने अंदर से पहना दिया है, उसका तो मैंने गला भी नहीं काटा है क्योंकि वो अंदर रहेगा, और इसी तरीके से उसको भी बेस के लिए एक कार्डबोर्ड काट के और उसके नीचे लगा दें तो ये भी बिल्कुल एक जैसा हो जाएगा। तो ये बाहर से भी काफ़ी अच्छे लगेंगे, जो महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र आ गए मार्केट में आते हैं वैसे ही लगेंगे। और ये मैंने बनाया है अपनी सारी बोटल्स रखने के लिए, जो एक्स्ट्रा बोटल्स होती हैं और यहाँ वहाँ बहुत जगह लेती हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं इसमें डाल के रख दूँगी क्योंकि जब भी निकालना हो तो निकाल लो और रख दो। इसके अलावा इसमें टॉयस भी रख सकते हैं अपने बच्चे के, टॉयस के लिए भी यह बढ़िया है। तो ये मेरा सेकंड ऑर्गेनाइज़र है और रियली अच्छा भी लग रहा है, लग ही नहीं रहा है टी शर्ट्स पहना रखी हैं इसको, तो ट्राई ज़रूर करिए अगर आपके पास भी ऐसे ही पड़े हैं।
आओ बूप टू नेस्ट डीआईवाई। एंड ये कहेंगे हैक, हाँ डीआईवाई तो नहीं है बट हाँ एक मैंने हैक ट्राई किया है। जो ये लिप बाम्स होती हैं ख़त्म हो जाती हैं, बेस में बहुत सारी बचती हैं बट वो यूज़ नहीं होती हैं, उसको अच्छे से निकाल लेना है और डिब्बी को कर लेना है क्लीन। इसके अंदर आप एक कॉटन रख सकते हैं या कोई भी इस तरह की चीज़ जिसमें सुइयाँ फंस सकें, और इसमें आप अपनी जो भी सुई है छोटी बड़ी वो ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं और वो यहाँ वहाँ गिरने की और चुभने का डर नहीं रहेगा। इस तरह के चॉकलेट के डिब्बे भी आते हैं, छोटे छोटे से होते हैं। मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा रील्स वगैरह नहीं है क्योंकि मुझे यूज़ ज़्यादा नहीं होती है, बस थोड़ी बहुत यूज़ होती है तो दो चार ही हैं। तो मैंने इस छोटे से बॉक्स में इसको डाल रखा है एंड लिप बाम में जो सुई लगाई थी ना उसको डाल दिया है। अब एक ही जगह पे सारी चीज़ रहेंगी और सुइयाँ तो बिल्कुल ही अच्छा सुई के लिए ऑर्गेनाइज़र है, आप इसमें अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं अपने जो भी आइटम्स हुए छोटे मोटे। मुझे बनाना था एक फ्रिज के लिए ऑर्गेनाइजर, मतलब फ्रिज में जो मैग्नेट्स होते हैं और फिर मैं उसमें लिस्ट भी करती हूँ काफ़ी सारी चीज़ें, तो उसके लिए मुझे एक पेन होल्डर बनाना था। तो मैंने बस सिंपल सा एक सॉप का रैपर लिया है और उसको कवर किया है, और कवर करने के बाद प्लेन कपड़े से ही कवर किया है। हाँ गिफ्ट रैप पेपर से भी कवर कर सकते हैं अगर गिफ्ट रैपर पेपर यूज़ करना हो तो, बट क्लॉथ पड़ा था तो मैंने उसका ही यूज़ कर लिया। एंड ऊपर एक लेस लगाई है और थोड़े से मिरर से डेकोरेट करेंगे और ये सिंपल सा छोटू सा बहुत सुंदर सा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो जाता है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बट मुझे ये कपड़ा प्लेन लग रहा था तो मैंने एक्रेलिक कलर से थोड़े से पोल्का डॉट्स रख दिए हैं ताकि ये एम्प्टी एम्प्टी ना लगे और थोड़ा सा हट जाए। और इसको मुझे लगाना है अपने फ्रिज पर और उसी के लिए मैंने इसको बनाया हुआ है, तो डबल साइडेड टेप से इसको फ्रिज पर स्टिक कर देंगे एंड ये मेरा एक पेन होल्डर बनकर रेडी हो जाता है। बिकॉज़ यहाँ पर मुझे काफ़ी सारी चीज़ें लिखनी होती हैं और पेन साइड की पॉकेट हैं बट साइड की पॉकेट में भी काफ़ी सारा सामान भर जाता है तो पूरा पेन है ना उसके अंदर चला जाता है तो मुझे थोड़ा टाइम लगता है देखने में, तो मैंने इसलिए पेन के लिए ये होल्डर बनाया। बहुत अच्छा है, ट्राई करिएगा, ईजी होगा और काफ़ी हेल्प करेगा आपकी टाइम को सेव करने के लिए। ओके गाइस, तो डेट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस। कैसा लगा आप लोगों को? आई होप कि थोड़ा सा हेल्पफुल रहा हो और आपको मेरे आइडियाज़ पसंद आए होंगे। सो आज के वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं एंड अब आपसे मिलूंगी एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टाटा एंड टेक केयर।